ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है, जितना बड़ा एक्साइटमेंट होगा उतना ही जल्दी वो आगे बढ़ेगा। एक बार दोबारा से दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद आप सब लोगों को जो आपने अपना समय निकाला है। आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, देखा डेमो, सबको अच्छा लगा प्रोडक्ट यूज लेंगे लगता है ऐसा। साथ में क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट यूज लेते तो इनकम मिलती है अपने को, बाजार में है कि नहीं है, ये पहला फायदा है। यदि प्रोडक्ट यूज ले और इनकम मिले तो आम व्यक्ति को लेना चाहिए। दूसरा, आप आगे देख रहे हैं कितने लोग सक्सेस हो रहे हैं, किसके पीछे हो रहे हैं, अपना ग्रुप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान में जिन्होंने भी कामयाबी पाई है उनका केवल नेटवर्क है, उसी के पीछे पाई है। सिंगल व्यक्ति कितने घंटे काम कर सकता है, 6 से 8 घंटा, लास्ट है 10 घंटा करेगा तो सेकेंड है आप। इसलिए अपने यदि घंटे बढ़ाने हैं तो सीधा सा काम है नेटवर्क। मोतीलाल जी ने बहुत अच्छा सिस्टम बताया है कि महीने में आप 10 लोग लेके आते हो तो सेकेंड मंथ वो 10-10 लोग लाते हैं तो 100 होते हैं, और थर्ड मंथ में वो 1000 लोग होते हैं। एक व्यक्ति 6 घंटा काम करता है तो 1000 व्यक्ति के साथ होगा तो कितने घंटे काम हुआ, 6000 घंटे, 60000 घंटे। और 60000 घंटे को मल्टीप्लाई केवल 1 रुपए से भी करते हैं, 60000 रुपए अपने मंथ में आते हैं। मुझे पता नहीं है कि ये घंटे कैसे बढ़ते थे, क्या होता था। भंवर सिंह जी को लिए एक बार जोरदार ताली बजाऊंगा। 9 माह तक भंवर सिंह जी मेरे को बताते रहे कि ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे यूज लेने होते हैं, ये होता है। मैंने एक ही बात बोली थी, भैया इन प्रोडक्ट को यूज लेने से घर में कितना बचत कर सकते हैं, 200-250 रुपए ज्यादा से ज्यादा। कितने प्रोडक्ट, 2-2500 रुपए के प्रोडक्ट आते होंगे घर में, 10% से आता है तो कितना आता है, 200-250 रुपए। तो 200-250 रुपए की सोच होती है, उसके 200-250 रुपए आते हैं। कोमल ने बहुत बढ़िया बोला कि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी सोच 10-15-20 हजार के ऊपर टिकी हुई है, ये लाखों से ऊपर वालों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। और मेरी सोच 250 रुपए की थी तो मेरा भी चेक पहला 263 रुपए का था। इसलिए ये प्लेटफॉर्म जितनी सोच से आते हैं उतना बड़ा चेक मिलता है। और जब सोच मेरी भंवर सिंह जी ने बदली तो 5वें महीने का चेक 1 लाख प्लस का था और 5वें महीने में गाड़ी चली। और उसी दिन मैंने ड्रीम बनाया था कि मेरी टीम में 11 गाड़ी लेके आऊंगा, 10 लोगों को दिलाने के बाद मैं 11वीं गाड़ी लेऊंगा, तब तक नहीं लूंगा। और मैंने गाड़ी अभी धनतेरस पे ले ली। लोगों के ये भी मैसेज गए कि भैया आपका कमिटमेंट, मैंने कहा जब तक मोदी की गाड़ी यूज नहीं लूंगा मेरी टीम में 10 लोगों को नहीं दिला दूंगा। और वो गाड़ी मैंने 16 जनवरी को मेरी एनिवर्सरी के ऊपर सिस्टर को गिफ्ट दी। ये है ड्रीम और मोदी के ड्रीम। सोचो समझो और करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। समय कम है। थैंक यू विक्रम जी, बार बार इशारा कर रहे हैं।